नमस्कार दोस्तों, यार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। दोस्तों तो दोस्तों यार आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ग्लिच बताने जा रहा हूँ यार, जो कि वर्क कर रहा है जॉर्जपुल कंटेनर्स में। तो दोस्तों यार अगर आपको ये ग्लिच आ गया यार, तो और आप आराम से यार जो है जॉर्जपुल कंटेनर्स क्लियर कर सकते हो, सारे बंदे फ्री में मार सकते हो। और उसी के साथ यार आप सबको पता है यार जॉर्जपुल में कितनी अच्छी लूट मिलती है, वो सारी लूट आपकी हो जाएगी और किल्स भी आपको आपकी या आपकी स्क्वाड को यार मतलब पूरी तरह फ्री में मिल जाएंगे। तो दोस्तों यार पूरी वीडियो देखते रहिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता लग सके और आखिरकार इस ग्लिच को से करना है वो भी पता लग सके। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जाइए उस लाइक के बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहता है, जिससे कि आप अपडेट रहते हो। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा ये जो ट्रिक क्या यार वर्क कर रही है जॉर्जपुल के किसी भी वेयर हाउस में, ठीक है। तो यार जब आप जॉर्जपुल कंटेनर्स में जाते हो, आपको यार काफ़ी ज़्यादा वेयर हाउस देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं वेयर हाउस तीन के रोज में होते हैं, ठीक है, मतलब तीन वेयर हाउस इकट्ठे होते हैं, और कई कई सिंगल वेयर हाउस भी होते हैं। तो यार इनमें वो ट्रिक वर्क कर रही है। तो यार आपने करना क्या, वेयर हाउस में जाना और इस जगह पर आके यार आपने क्या करना है, आपका जो रन का बटन है मतलब जो आपका स्प्रिंट का बटन है उसे लॉक कर देना है, और साथ ही साथ आपने जो मतलब अपनी शूट का बटन है फिस्ट का उसे दबा के रखना है और साथ ही के साथ प्रोन होते रहना है। तो यार जैसे ही मैं हुआ तो आप देख पा रहे होंगे मैं हाफ सबमर्ज हो गया इस वेयर हाउस के अंदर। तो यार जैसे ही आप सबमर्ज हो जाओगे तो आपने प्रोन का बटन दबा देना, और प्रोन का बटन दबाते ही आप देख पाओगे कि यार आप वेयर हाउस के आर पार आराम से देख पा रहे हो, मतलब एक तरह आप अंडरग्राउंड हो चुके हो पूरी तरह। ऊपर से अगर कोई भी बंदा देखेगा जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, उसे लगेगा यार कि नीचे कोई भी नहीं है। तो मैं आपको बंदे भी मार के दिखा देता हूँ यार, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ आप बंदे मार सकते हो। तो ये एक बॉट आया यार, तो हम इसे पहले मार देते हैं। तो देखो यार अभी बॉट भी हील करने लग गया, बॉट हील कर रहा है तो इसे मार देते हैं हम आराम से। तो यार देख पा रहे होंगे ये मर गया है, तो इससे यार ये हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ से आप आराम से बंदों को मार सकते हो। तो दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ आपने यार इस ग्लिच को करने के लिए करना क्या है। आपने सिंपली आपका जो स्प्रिंट का बटन है उसे दबा के रखना है, मतलब लॉक कर देना है। उसके साथ साथ आपने जो मुक्के मारने वाला बटन है मुक्के लगातार मारते रहना है, और साथ ही के साथ जो प्रोन का बटन है उसे दबाते रहना है। तो जो दोस्तों जैसे ही आप ये सब करोगे यार, तो आपका ग्लिच वर्क कर देगा। तो यार एक और बंदा है इधर, इसे भी हम मार देते हैं। तो यार बॉट लग रहा है ये भी, इसे भी हम मार देते हैं। तो आपको एक और यार मतलब मिल गया कन्फर्म कि हाँ यार इधर से बंदे मरते हैं। तो यार थोड़े किल्स आपको मैं और करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता लग सके इस ग्लिच का कितना फ़ायदा है। और मतलब सिर्फ इसी वेयर हाउस में नहीं, आपको काफ़ी वेयर हाउस जॉर्जपुल में देखने को मिलेंगे। आप किसी पे भी ये ट्राई कर सकते हो, सब पे ये ग्लिच जो है वो वर्क करेगा। और यार ये ग्लिच कब तक वर्क करने वाला है वो मुझे नहीं पता, जब भी यार पबजी वालों को पता लगता है तो वो पैच कर सकते हैं इस ग्लिच को। तो देखो यार इधर एक बंदा पीक ले रहा है, हम इसे भी उड़ा देते हैं, ठीक है। तो ये भी बंदा मर गया यार आराम से, ये बेचारा सोच रहा होगा यार कि बंदों ने मारा किसे, मैंने मारा किसे, मतलब कहाँ से मारा इसे। तो यार ये ग्लिच काफ़ी ज़्यादा फायदे वाला है, क्योंकि यार कोई भी आपको देख नहीं पाएगा, पर आप सबको देख पाओगे यार, सबको मार भी पाओगे। तो यार एक और किल आपको मैं करके दिखा देता हूँ, और ये किल मेरा फेवरेट है। तो यार ये बंदा आया था मेरे ख्याल से, ये असली बंदा था और मुझे काफ़ी प्रोसा लग रहा था। तो यार इसने जब मेरे गन शॉट्स की आवाज़ सुनी यार, तो ये मेरे वेयर हाउस के अंदर आ गया। तो यार मुझे तो ये दिख रहा था पर ये मुझे नहीं देख पा रहा था। तो यार मैं देखने गया कि ये टीपीपी ले रहा है, तो ये टीपीपी ले रहा था यार, पर ये अंदर आ गया जब मैं इधर पहुंचा। तो यार ये घूम रहा था पूरा, ये मुझे ढूंढ रहा था पर ये मुझे ढूंढ नहीं पाया। तो यार इसने मॉली करने का सोचा, इसे लगा कि मैं बाहर रेंग रहा हूं। तो यार इसने मॉली करने का सोचा, पर यार इधर ही ये मतलब मर गया मेरे हाथों, और ये बेचारा सोच रहा होगा ये मर कैसे गया। तो यार देखो यार मर गया एक तरह से, मेरे ख्याल से अपनी पुशिंग कर रहा था रैंक की, पर यार मर गया, क्या कर सकते हैं। तो यार आपको अब कंफर्मेशन मिल गई, मैंने लगभग चार किल आपको करके दिखा दिए हैं। तो दोस्तों यार ये ग्लिच आपको यार मतलब काफ़ी मदद करने वाला है जॉर्जपुल में बंदों को क्लियर करने के लिए। तो यार आज की वीडियो इतनी थी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी यार इंग्लिश के बारे में पता लग सके। तो यार मैं मिलता आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।